बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारी बॉडी तो प्रेजेंट होती है मगर माइंड नहीं। हमारा माइंड कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी किसी बात की रिग्रेट में, कभी किसी दुख में या कभी किसी दर्द में डूबा हुआ होता है। माइंडफुलनेस इज एन एक्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। दिस इन्वॉल्व्स स्लोइंग डाउन, पेइंग अटेंशन, सस्पेंडिंग जजमेंट, और हम जो भी काम कर रहे हों उस काम में हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा हो उसको फील करना और पूरी तरीके से उस मोमेंट में रहना। मैंने माइंडफुलनेस से लाइफ के 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं जिनको मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला लेसन है मेरा लाइफ का सेल्फ एक्सेप्टेंस। आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज आई एम। पहले मैं अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती थी। कोई भी इंसान आके मेरे अपेयरेंस पे या मेरे बोलने के स्टाइल पे कमेंट करके चला जाए तो मैं सोचती थी यार ये मेरे अंदर कमी है, मैं इसको चेंज करती हूँ, और मैं उस पर लगी रहती थी दिन रात। और फिर उस कोशिश में मैं देखती थी कि मैं खुद ही उसकी निगेटिविटी में खोती जा रही हूँ, और दूसरों के कहने पे क्या, मैं खुद जो है लोगों को कॉपी करने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जांपल, मुझे सुष्मिता सेन का बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, मैं सोचती थी काश मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ, और मैं धीमे धीमे वैसे बोलने की कोशिश भी करती थी। बट एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल, ओन पर्सपेक्टिव, और ये बात मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुई कि मेरा बोलने का स्टाइल अलग है, किसी और का अलग है, और जैसी मैं दिखती हूँ वो मैं दिखती हूँ, और आई मीन देयर इज नथिंग टू शेम अबाउट दैट, दिस इज हु आई एम। आई प्रेफर सॉलिट्यूड ओवर गैदरिंग्स, आई प्रेफर बुक्स ओवर नेटफ्लिक्स सीरीज, आई प्रेफर बींग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन रादर देन गॉसिपिंग अराउंड। So this is my personality and I have to accept it. Changes are good and changes are necessary too, but jab andar se feel ho, kisi ke kehne se nahi. My second lesson is gratitude. I learned to be thankful to everything in my life. चाहे वो मेरी मिस्टेक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से भी कुछ सीखा ही है। का मेजर रियलाइजेशन मुझे हुआ था लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, तो मेरा ऑफिस मेरे घर से 25 किलोमीटर्स के दूर पर है, और क्योंकि मैं एसेंशियल सर्विसेज में हूँ तो मुझे जाना पड़ता था। तो रास्ते में NH 24 से मैं जाती थी, और वहाँ पे उस टाइम पे मजदूर, प्रेग्नेंट महिलाएं, सब लोग अपने सर पे इतना सामान लेके इतनी इतनी दूर तक पैदल चल रहे होते थे। मैं अपनी तरफ से जो भी सर्विस कर सकती थी वो मैं करती थी, मगर एट द सेम टाइम मुझे डेली उन लोग को देख के ये रियलाइज़ होता था कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, रहने के लिए मेरे पास छत है। एंड द लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, आई लर्न टू लेट इट गो। जो पास्ट था वो चला गया, अगर मैं उस पर लटकी रहूँगी तो शायद मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी, और जो प्रेजेंट मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको कभी मैं इन्जॉय कर ही नहीं पाऊँगी। और ये सिर्फ मेरे पास्ट के लिए नहीं है, ये हर उस मेमोरी, हर उस थॉट के लिए है जो मुझे और मेरे सोल को बार बार कष्ट पहुंचाता है, बार बार मेरी जो दिमाग है ना वो उन्हीं सब चीज़ों पे चला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में लेट इट गो, चीज़ों को छोड़ना सीख लिया। अगर मैं अकेले में भी होती हूँ तो मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं चिड़िया को उड़ते हुए देख के या फिर पतंगों को उड़ते हुए देख के मुझे इतनी अच्छा लगता है ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है अंदर से। अगर कोई सामने वाला सोचेगा तो सोचेगा यार ये पागल है और अपने आप में ही खुश हो रही है, मगर बात यह है कि वो जो सोच रहा है उसे सोचने दो ना, मैं तो खुश हूँ ना, मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, और यही मैटर करता है। एंड माय सजेशन टू यू, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस माइंडफुलनेस, स्टार्ट विद मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के नीचे ही बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसको प्रेस करने से जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, हैव अ गुड डे। नमस्ते।